गोवा बॉर्डर पर खड़ा है एकदम तंतना है कि अभी के बाद गोवा है महाराष्ट्र बॉर्डर में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं बोरीवली में और अभी बज रहा है 7:30। दोस्तों आज का हमारा जो ट्रिप है वो होने वाला है बोरीवली टू गोवा का, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। समझ लगे? हाँ दोस्तों, ये सब देख सकते हैं, ये हमारी सीट है, ये 49 सीट की गाड़ी है। गाड़ी पे मस्त से यानी कि हैंडल भी लगा है सेफ्टी के लिए, और कवर पे भी ट्रैवल्स का नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। गाड़ी एकदम देखने में एकदम ऊपर का भी इंटीरियर अच्छा है, उसके बाद एसी भी लगी है, लाइटिंग भी है इसका, देख सकते हैं सीट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। और ये देखिए एकदम साफ़ सफाई के माने भी एकदम ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इमरजेंसी गेट रहता है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इसको यानी सीट आरटीओ बोलता है सीट निकालने के लिए, तो हम लोग सीट भी निकाल के रखे हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हैं पर्दा वर्दा लगा कि सब एकदम फाइनल है, सब एकदम अच्छे से एकदम मस्त है। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं बोरीवली से, पिकअप करते करते आ गए हैं सायन में। सायन का जो ब्रिज है ना उसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर हमारा एक पैसेंजर आने वाला है, तो हम लोग थोड़ा उसका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से पिकअप करके हम निकलने वाले हैं अपना अगले पिकअप के लिए, जो कि पनवेल होके हम लोग यानी कि जाने वाले हैं। दोस्तों अभी बज रहा है 10:30 और हम लोग पनवेल से पिकअप करके निकल चुके हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग रुकने वाले हैं होटल पे खाना खाने के लिए, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आगे का व्यू। दोस्तों अभी का जो टाइम है वो बज रहा है 11:30, तो हम आ चुके हैं होटल पे, देख सकते हैं आज हमारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अभी चल रहे हैं अंदर खाना खाने के लिए। ये होटल का नाम है साई अमृत, और यहाँ पर ज़्यादा गाड़ी तो नहीं है, 2-3 गाड़ी हैं अभी। तो चलिए दोस्तों हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। दोस्तों अभी खाना खाकर हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो गया, एकदम रात हो गई है, और ये रोड का भी जो काम है ना वो भी चालू है, तो बीच बीच में डिवाइडर कहीं पर बना है कहीं पर नहीं बना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ का, हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 6 और मैं भी सोकर उठ गया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। सुबह सुबह का मौसम भी एकदम बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही एकदम यानी कि अच्छा लगता है, नेचर एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये तो कोकन का रास्ता है पूरा, यानी कि घाट है पूरा, यानी कि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, पहाड़ हैं, तो यहाँ का जो वेदर है ना, जो यानी कि खूबसूरती है ना वो कुछ और ही ज़बरदस्त लगती है। आप लोग देख सकते हैं हम एक पुल को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ का भी सीन एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ का ये जो पहाड़ वगैरह हैं, और यहाँ पर ना रोड का भी थोड़ा काम चालू है, यहाँ पर ये कोकर रास्ते पर ना अभी यानी कि काम चालू ही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ब्रिज का काम चालू है, ब्रिज का काम चल रहा है और काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन ये चल रहा है यहाँ का। ये देखिए पूरा यानी कि ब्रिज ही ये चल रहा है, ब्रिज का ही काम चल रहा है, रास्ता यानी कि थोड़ा यानी कि डाइवर्ट करके
थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है बस, बाकी का ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी ये हम लोग आगे आ गए हैं वहाँ से, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है और एकदम रोड भी यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त है दोस्तों। ये कोकन वाले रास्ते पे ना कहीं पर रोड एकदम ज़बरदस्त बन गया है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन अभी चालू ही है, तो बीच बीच में बना हुआ है, बीच बीच में ख़राब है, तो यहाँ का वेदर भी एकदम एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अभी काम चालू ही है, बीच का डिवाइडर अभी नहीं बना हुआ है और साइड साइड में जो रोड है ना वो बन चुका है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एक घाट पर, ये छोटा सा एक घाट है तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी रोड तो बन गया है बाकी, और यानी कि अभी बनना बाकी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रक जो है नीचे थोड़ा उतर गया है उसका टायर आगे का, और ये देखिए यहाँ पर डाइवर्ट किया है रोड को। तो दोस्तों ऐसा ही कोकन का जो रास्ता है ना, ये अभी बहुत ही इसमें डाइवर्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं घाट का पूरा व्यू। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोवा बॉर्डर के पास में। गोवा बॉर्डर यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमारा लास्ट स्टॉप जो है रहता है ना, वो रहता है बांदा यानी एसटी डेपो। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट स्टॉप और हम यू टर्न करके खड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग अब जाने वाले हैं पार्किंग में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में। पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके नहा धो कर एकदम फ्रेश होकर हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो ऑर्डर तो हम लोग दे दिए हैं, तो दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या ऑर्डर दिया था। और ये राजस्थानी ढाबा है यहीं पर, तो हमने यानी कि अभी हमारा ऑर्डर यानी कि बन रहा है। दोस्तों हमारा ऑर्डर आ चुका है और हमने ऑर्डर में दिया था मिक्स वेज और ये सेव भाजी और अक्खा मसूर और चपाती। तो मिक्स वेज तो अभी हम लोग खा रहे हैं और बाकी का भी अक्खा मसूर और अपना ये सेव भाजी अभी रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग खा के यहाँ से खाना आराम करने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि अभी फ़ोन आ जाएगा 5 बजे के लमसम में भरने के लिए। हेलो दोस्तों, अभी शाम का बज रहा है 6 और हमारा फ़ोन आ गया है गाड़ी भरने के लिए, लगाने के लिए यहाँ पर पिकअप पॉइंट पे। तो दोस्तों हम लोग यानी कि बांदा एसटी डिपो के पहले से ही यू टर्न करके खड़े हुए हैं और यहीं से हमारा पिकअप है। दोस्तों हम लोग बांदा एसटी डिपो के पास से यानी कि पिकअप कर कर निकल चुके हैं और हमारा अभी पिकअप कनकौली में है, फिर यानी कि तरला में है। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से पिकअप करके, बाकी का भी पिकअप अभी चल के आगे करते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आगे का व्यू। दोस्तों हम लोग को ना कनकौली में थोड़ा लेट हो गया और हम लोग फिर कनकौली से निकल कर नांदगांव में खाना खाया, होटल पे रुकाया था और नांदगांव से खाना खाकर तरला से हम लोग पिकअप करके निकल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी रात का बज रहा है 12 और हम लोग यानी कि अभी रात का वीडियो नहीं बनाने वाले हैं और सुबह में ही आपको दिखाते हैं होटल पे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं साईं अमृत होटल पे, जो कि हम लोग यहाँ पर रुकाए हैं चाय वगैरह पीने के लिए, वॉशरूम यानी कि फ्रेश होने के लिए यहाँ पर रुका दिए हैं। और समय भी यानी कि यहाँ पर बज गया अभी 6:30। तो दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी। तो फिर दोस्तों चाय वगैरह पी के फ्रेश होके हम लोग निकल चुके हैं होटल से। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बेलापुर में, आप लोग देख सकते हैं ये बेलापुर का रूट। तो दोस्तों अभी हमको यहाँ से ही पनवेल से ही हमारा यानी कि ड्रॉपिंग पॉइंट था, तो ड्रॉप करते करते आ रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जूही नगर का जो ब्रिज है, जो सानपाड़ा के साइड में जाता है, वो ब्रिज के ऊपर ही हैं। तो चलिए अभी वासी में ही हमको ड्रॉप करना है, फिर चेंबूर के रास्ते दादर होकर फिर जाना है बोरीवली। तो दोस्तों हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।